तो आज है पतिदेव का बर्थडे, मतलब तो पतिदेव को मैंने फाइनली उठा दिया और लल्ला भी बड़ा उठ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्लैपिंग क्लैपिंग। नमस्कार जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग राजरप्पा मंदिर गए थे और वहाँ से जो हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, और जब घर की तरफ जा रहे थे जी नजारा सब बड़ा बेहतरीन मिल रहा था। खूबसूरत जगह है जी झारखंड, सच में मजा आ गया जी। जा रहे हैं एकदम हरा भरा दोनों साइड से जगह, और एक जगह तो ऐसा लग रहा था क्या कि सड़क जो है सीधे आसमान की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह से यह लग रहा था। अभी तो थोड़ा घना जंगल आ गया, लेकिन इससे पहले जो सीन था बहुत ही अच्छा सीन था, मतलब आसपास एकदम खुला जैसा, एकदम जैसे देखते हैं ना कुछ कुछ मूवी देखते थे फॉरेनर्स सब का, जो उस साइड बोलते हैं विलेज को कंट्री साइड, तो वो जो देखते थे गाड़ी चल रहा होता था एकदम खुला इलाका में, बिल्कुल एकदम गजब लगता था। खजूर का पेड़, आसपास गाय चरती हुई और चिड़िया सब अलग अलग तरह का, ओ भाई साहब मस्त लग रहा है नज़ारा इधर का। तो हम लोग जी बीच रास्ता में रुक गए हैं क्योंकि लग गई है बहुत ही तेज भूख, और आज जो है ड्राइविंग थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यू हो गया क्योंकि हम जो है लगभग 2-3 घंटे पर जो है ब्रेक ले लिया करते हैं, लेकिन आज लगभग 6 घंटे की ड्राइविंग हुई है और फिर ब्रेक लिया है। और पीछे हमारी सीन देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, इसे दिखाता हूँ, वो देख सकते हैं वो है पहाड़ और पहाड़ के ऊपर है बादल। भाई साहब इस पहाड़ की जो ऊंचाई है ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतने नजदीक बादल। तो हमारा आ गया जी खाना, और हमने जो मंगवाया है सादा थाली जिसमें मिला हुआ चावल दाल, ये आलू का सब्जी और आलू का भुजिया, भिंडी का भुजिया, पापड़ और सलाद। तो चलिए जी अच्छा है, 60 रुपये में इतना मस्त थाली मिल गया। तो हम लोग जी रुक गए हैं बीच रास्ते में जिस जगह का नाम है हसडिया, और यहाँ से हम लोग ले रहे सन पापड़ी 100 रुपया किलो, 120 बोला था 100 करवा लिए, वही रेट है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से जी हम लोग ले रहे हैं सोन पापड़ी, और यहाँ का जो सोन पापड़ी है बहुत ही प्रसिद्ध है, और जिया बोली थी कि इधर आइएगा तो जरूर लीजिएगा, तो इधर रोक दिया हमने और लेकर के चलते हैं। हम लोग आए भागलपुर के पुल पे और क्रियान जो है खिड़की खोल के एकदम नजारा ले रहा है, एकदम मजे मजे है, मजा आ रहा है आपको। पापा ने बोला था कि नानीघर ले जाएंगे, लेकिन पापा ले नहीं गए, है ना गए नानीघर, बोले थे ना जाएंगे, नहीं ले गए ना। हाँ बोले थे जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, अगर हम लोगों के पास एक दिन हाथ में रहता तो जाते, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया वहीं पर निकलने में हम लोगों को। और कल है पतिदेव का बर्थडे, सुबह सुबह हम लोग को मंदिर भी जाना है, तो क्या कुछ बोल ही नहीं देता ये लड़का। हम लोग आ गए कटिहार के पास, एक डूमर है वहाँ पे, यहाँ का चाय दूध का जितना भी आइटम होता है बहुत फेमस होता है, तो यहाँ पे लेने आए हैं। तो आज है पतिदेव का बर्थडे, मतलब आने वाला है रात के अभी 11:30-12 बजे। तो मैंने कल ही मोलू को कह के केक मंगवा लिया था रात के लिए, क्योंकि ये तो हमेशा हम लोगों के लिए करते हैं, तो मैं सोची इनकी रात का केक मैंने मोलू से मंगवा लिया, इनको पता नहीं है, तो 12 बजने का वेट करते हैं फिर हम लोग केक कट करेंगे, चलते हैं। ये फ्रिज में रखवा लिया है केक। तो पतिदेव को मैंने फाइनली उठा दिया और लल्ला भी बड़ा उठ गया, लल्ला ये भी आ रहा है जल्दी। हाँ तो मैं इसको जला देते पहले, जल्दी जल्दी चला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्लैपिंग 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 क्रियांशी क्लैपिंग। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सरप्राइज ही था ये, मैंने मोलू से मंगवाया हुआ था। हाँ, और एक ही खास बात क्या रहा कि रात के 12 बजे होता था बर्थडे सरप्राइज, लेकिन इस बार सुबह के 4 बजे हो रहा है। सो गए हम, आजा लल्ला, लल्ला को भी ले आइए गोदी में। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। तो हम लोगों ने सोचा था कि रात के 12 बजे सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ना कि मैं आ गई क्रियांश के पास, आधा घंटा था हमारे पास, तो हमने सोचा कि चलो क्रियांश के पास आ जाती, और जैसे मैं उठने लगी ना तो ये हिलने लगा, तो ये मुझे कहते हैं क्यों उठ रही हो, सो जाओ अभी जल्दी से, क्रियांश उठ जाएगा। तो मैं इनको क्या बोलूं कि सरप्राइज है इनके लिए, लेकिन फिर भी मैं सोची कि ये सो जाएंगे ना तो फिर मैं उठूंगी, फिर मैं खुद ही सो गई, और अभी उठी हूँ तो देख लो, अभी जैसे मैं उठी वैसे क्रियांश उठ गया। तो पतिदेव ने फ्रिज में केक रख दिया, अच्छा था केक,
पाइनएप्पल वाला था। जानसी बोलो पापा हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और ज्ञान जा रहा है नीचे। अली बेला नीचे जा रहा है। आ गया दादी पास, दादी पास आ गया। जय करो दादी को, जय करो दादी को। हाथ में क्या है बाबू? कार लेके आया है अपना, दे दो। हाँ नहीं देगा। हम लोग जी कल रात 8:30 के करीब जो है हम लोग घर पहुंचे थे, और आज जो है मेरा जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर खीर बना हुआ है। खीर लग रहा है अच्छे से जला के बनाया गया है, एकदम लग रहा है खोआ टाइप का। आज और... जन्मदिन एक खास मौका है। हाँ मैं खीर इसी तरह बनाती हूँ। अच्छा तो खीर बन गया। ड्राई फ्रूट डाला है। अच्छा अब ये ड्राई फ्रूट डाला जाएगा ऊपर से। वाह बढ़िया है। प्रियंश खाएगा खीर या अभी किशमिश खा रहा है? लेना चाह रहा है, ड्राई फ्रूट लेना चाह रहा है। ये खिलाई तो किशमिश तुमको। तो क्रियांश का नहाना हो गया और क्रियांश की मम्मी का नहाना हो गया और ये लोग कर रहे हैं पूजा। पूजा हो गई क्रियांश, तो ये लोग पूजा कर रहे हैं। हम जाते हैं जल्दी से जाकर के नहा लेते हैं, हम लोगों को निकलना भी है। तो सभी लोग जी तैयार हो गए हैं और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं पास के मंदिर। और क्रियांश को मालूम चल गया है कि सभी लोग तैयार हैं तो बाहर निकलने वाले हैं। तो सभी को कर दिया है बेचैन कि जल्दी से अब गाड़ी स्टार्ट और गाड़ी में बैठेंगे। लेकिन आई आई चलना है गाड़ी में, गाड़ी में चलना है ना। परेशान कर दिया था ना इसी तरह, जब तक उनको जानता था हमको ले जाएगा। अच्छा। जब तक वो पहुंच नहीं जाता है गंतव्य जगह पर तब तक रोते रहता था। तो सभी लोग जी हम लोग पहुंच गए हैं पूर्णिया के गुलाब बाग जी। हाँ हम लोग पूर्णिया आए हुए हैं और यहाँ पर श्याम बाबा के मंदिर आ रहे हैं। और पिछली बार जब आई थी तो दर्शन नहीं हो पाया था, तो सोचा कि इस बार जो है जा करके दर्शन करते हैं। हम लोग आगे चल रहे हैं और क्रियास जो है वहाँ अपना सो गया है बाबा के गोद में। तो सामने है जी श्याम मंदिर, तो देख सकते हैं उस श्याम मंदिर में हम लोग चलेंगे। जिनको भी नहीं पता यहाँ के बारे में तो आप जान लीजिए जी। हाँ जी खाटू बाबा का एक मंदिर जो है इधर भी है। तो यहाँ पर जी पूजा कर लिया बाबा का और अच्छा लगा जी यहाँ पर आकर के। लास्ट टाइम जब आए थे तो दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार आए ठीक हम लोग 10-15 मिनट पहले आए थे यहाँ पर। लगभग लग रहा था कि शायद मंदिर बंद भी हो सकता है, हम लोग सोच रहे थे कहीं और चले जाएंगे, लेकिन पापा बोले कि नहीं अभी 10 मिनट समय चलो वहाँ पर। हम लोग यहाँ आ गए और दर्शन भी हो गया। देखो किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। हाँ उनकी कृपा फिर इसको आना है। पहुँच गए बिल्कुल। और मैं सब दिन भगवान भोलेनाथ का पूजा करती हूँ हर किसी भी खुशी के मौके पर। तो वहाँ मैं जल नहीं चला पाया शिवलिंग में, तो उनकी कृपा परम्पार है कि हम शिवलिंग जल समेत मिल गया, क्योंकि मेरे पास जल भी नहीं। अच्छा मिल गया। और आज भगवान खाटू श्याम के दरबार में, भगवान भोलेनाथ के दरबार में सबसे पहले मैं अपने बेटे के जन्मदिन के लिए उनसे दुआ मांगती हूँ, और साथ ही संसार के सभी के पति पुत्र के लिए भी दुआ मांगती हूँ। और एक खुशी की बात है कि मुझे बाल बच्चा बहुत लेट से हुआ, तो भगवान एक मेरा भाई है मायके में जो सबसे बड़ा है जगन नारायण ठाकुर, तो वो बोले कि एक बार हम जाते हैं बाबा बैद्यनाथ से मांग के लाते हैं। तो शायद बाबा बैद्यनाथ उनकी बात सुने। आज मैं भगवान शिव के दरबार में, भगवान खाटू बाबा के दरबार में अपने भाई को और भगवान को 100 बार उनके चरण में प्रणाम करते धन्यवाद करती हूँ अनगिनत बार। आज मुझे वंश हुआ उनके दया से, आज एक पोता भी हुआ। इसलिए ईश्वर से मैं मांगती हूँ इसी तरह सबको बना के रखिए, हर माँ दादी बन जाए, हर दादी परदादी बन जाए, इसी तरह चैनल चलते रहे, लोग आगे बढ़ते जुड़ते रहेंगे। एक बात और आदमी कहना चाहूँगी कि आज जो मुझे बोलने की जो मुझमें क्षमता आई है, या मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री बिंदेश्वर ठाकुर का छवि है या देन है या आशीर्वाद है, लेकिन आज वो यहाँ नहीं है, और उनकी आशीर्वाद से या उनकी दया से आज मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपना बात रखती हूँ और सबका सम्मान आशीर्वाद सहयोग मिलता है, और आप लोग मुझे सुनते हैं बिल्कुल। और अगर आज नाना जी जीवित रहते हैं, एक पर एक ज्ञानवर्धक चीज सब हमें बताया करते थे। कोई उनके पास ऐसा मंच नहीं था कि जहाँ से वो अपनी बात रख सके,
तो आज नाना जी को मिस कर रहे हैं कि आज हमारे पास मंच है, उनके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आज उनकी बेटी यहाँ पहुँच गई और उनका जो दिया हुआ आशीर्वाद है या दिया हुआ संस्कार वो आज सुनाती है आप लोगों को और हम ईश्वर से प्रार्थना, लेकिन उसे मेरे मायके में माँ सरस्वती आँख खोल के देखती है। अच्छा। इसलिए वहाँ कोई किसी से कम नहीं है, मेरे बाप की पीढ़ी में, मेरा भाई की पीढ़ी में या मेरा भतीजा की पीढ़ी में, और आज मैं अपने मायके और ससुराल और संपूर्ण संसार की स्त्री के लिए मायके सबके लिए प्रभु के दरबार में दुआ मांगती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ और सबका सम्मान बरकरार है, आयु बरकरार है, भविष्य बरकरार है, उम्र बरकरार है। बिल्कुल। यह जो मंदिर है जी, इसकी स्थापना हुई है, देख सकते हैं लिखा हुआ है 28 जनवरी 2019 और अभी चल रहा है 2023, तो लगभग 4 साल बाद हमें मालूम चला है यहाँ के मंदिर के बारे में। और यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि 2003 से ही इस मंदिर का निर्माण शुरू हो गया था, तो वहाँ पर जी पूजा करके सभी लोग आ गए बाहर, और बाहर आ गए हम लोग अपना भोजन करने के लिए, तो भोजन करने के लिए आ गए, एक रेस्टोरेंट है पूर्णिया का हाइस्टीन, अपने दोस्त के साथ यहाँ आए करते थे, तो इस बार अपने परिवार को भी साथ लाए हैं। अच्छा, क्रियांश भी कुछ बोल रहा है, कुछ देर पहले तो सोया हुआ था क्रियांश, अब यह जग गया है। संभाल के इसका बिस्किट लाए, इसको दे दीजिए, इसको ये सब दे देना, गाजर सब खा लेगा ये। तो यहाँ पर हमारा आ गया, ये है कुरकुरे पनीर, इससे पहले क्या था, इससे पहले था चिली बेबी कॉर्न। जी आपको बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगता है ना? हां बहुत अच्छा है। तुम भी खाएगा? बाबा उधर है बेटा। सब लोग का दर्शन हो गया, सब लोगों का जो है भोजन भी हो गया, उसके बाद आ गए घर, तब जो है गाड़ी को सीधा करते हैं अंदर, घर में आ गए हैं, सब लोग घर जा रहे हैं। लल्ला, ए लल्ला।